क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 3.2 का 19 मैट्रिक्स का क्वेश्चन देखिए। अ ट्रस्ट फंड हैज रुपीज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपीज था, उसमें दो टाइप के बॉन्ड्स थे। पहला बॉन्ड फाइव इंटरेस्ट की क्या करता है, बॉन्ड पे करता है। दूसरा 7% का बॉन्ड पे करता है। हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके बताना है कि दोनों टाइप के जो आपके इंटरेस्ट हैं उसमें फाइंड करना है क्या एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1800 रुपीस और दूसरे वाले में 2000 रुपीस। मतलब ट्रस्ट के पास कितना पैसा है 30,000। दो तरह के बॉन्ड हैं, एक तो उनको 5% के इंटरेस्ट से पे कर रहा है, दूसरा 7% की से कर रहा है। अगर टोटल इंटरेस्ट 800 रुपीस हो तो कितने टोटल 30,000 रुपीस को कैसे दोनों बॉन्ड में डिवाइड करेगा, और अगर 2000 रुपीस की टोटल एनुअल इंटरेस्ट हो तो किस प्रकार पे करेगा, हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि जो भी आपका कितना है 30,000 रुपीस और बॉन्ड कितने हैं 2, तो लिखेंगे लेट द रुपीज एक्स इन फर्स्ट बॉन्ड लेट रुपीज एक्स इन्वेस्टेड, लिख सकते हैं इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, और दूसरा 30,000 माइनस एक्स इन इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड। ठीक, फर्स्ट जो बॉन्ड है उसमें रुपीज एक्स और दूसरा वो उसमें 30,000 माइनस एक्स। ये पहले पार्ट में कितना है 800 रुपीज, तो सबसे पहले एक्स और 30,000 माइनस एक्स, क्लियर, ये आपका मैट्रिक्स हो गई। अच्छा, पे क्या कर रहा है 5% से और 7% से, क्लियर, और पहले पार्ट में कितना है 800। ठीक, अब देखिए मल्टीप्लाई करिए एक्स इंटू फाइव परसेंट एक्स, क्लियर, प्लस 7% ऑफ किसका 30,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1800। 5% एक्स प्लस 7% दिस। अब 5% एक्स क्या होता है 5/100x प्लस 7/100 30,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1800। अब 100 लेंगे एलसीएम तो क्या बचेगा, चाहो तो एलसीएम ले लो 100, तो 5x प्लस 7 30,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1800। अब उसको पहुंचा देंगे और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5x एज इट इज प्लस 7 थीजा 21 और 40 आएंगे माइनस 7x इज इक्वल टू 1800। यहाँ पर है ये 20 और पढ़ लेंगे इधर, क्लियर। अब 5x माइनस 7x माइनस के 2x इज इक्वल टू 1840 माइनस इसको तो पहुंचा देंगे 2140, तो कितना बचा 40 तो आ जाएंगे आपके ये 21 में से 8 थी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स इक्वल टू 3 के साथ 40 अपॉन 2 कितना बचा 15,000, तो 15,000 एक्स आ गया, कितना आ गया एक्स। अब 15,000 एक्स आ गया तो दूसरा कितना आएगा 30,000 माइनस एक्स, सो द मनी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड इज इक्वल टू रुपीज 1500 और द मनी इन्वेस्टेड
इन सेकंड बॉन्ड क्या था 30,000 माइनस एक्स, एक्स कितना 50,000, तो 50,000 क्लियर। इसके जो सेकंड पार्ट है बच्चों बिल्कुल सेम करना है, सेम में मतलब ये मैट्रिक्स एजिटिस रहेगी, ये मैट्रिक्स एजिटिस रहेगी, बस 1800 की जगह क्या आएगा 2000, कितना आएगा 2000, ये सेकंड पार्ट हो गया। बस सेकंड पार्ट से मैं डिटो करना है, जहाँ जहाँ 1800 है वहाँ 200 2000 लिखते चलेंगे, 2000 यहाँ भी 2000 यहाँ भी 2000 क्लियर। फिर यहाँ पर जो लिखेंगे 2000 2000, अब अच्छे से देखिएगा, अब यहाँ पर 2000 लिखेंगे कहाँ पर, यहाँ पर, तो 2000 लिखेंगे यहाँ पर 2000 मतलब 2 लाख हो गया पूरा, ये कितना हो गया 2 लाख। अब देखना इधर यहाँ पर 40 से 40 निकल गई ये, और 21 में से 2 वे कितना था 1, क्लियर। तो यहाँ पर x स्क्वायर टू कितना हो जाएगा, बिल्कुल एज इट इज है, मैं इस वजह से करा रहा हूँ आपको, 10,000 अपॉन 2 कितना हो गया 5,000। अब 5,000 आ गया पहला वाला, ये 5,000 पहला वाला आ गया, तो 30,000 5,000 कितना था 25,000, ये एज इट इज सेकंड पार्ट है, क्लियर। तो 2000 लिखा है मैंने सब जगह, केवल 1800 की जगह ये 2000 है, तो सब जगह 2000 लिखना है, और एज इट इज आपको सेकंड पार्ट भी मैंने कर दिया, बस 1800 की जगह 2000 को चेंज कर देंगे। द बुक्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल, एक स्कूल की कोई पर्टिकुलर बुक शॉप है, उसमें 10 dozen केमिस्ट्री की बुक, 8 dozen फिजिक्स की बुक्स, 10 dozen इकोनॉमिक्स बुक्स हैं, उनकी सेलिंग प्राइजेस 80 rupees 60 rupees और 40 rupees है ईच रेस्पेक्टिवली, मतलब 10 dozen की जो केमिस्ट्री की जो बुक है रेट 80 rupees ईच है, फिजिक्स की जो बुक रेट है वो 60 rupees ईच है, और इकोनॉमिक्स की है वो 40 rupees ईच है। तो टोटल अमाउंट निकालना है, द बुक्स सब विल रिसीव द सेलिंग ऑल द बुक्स, कि अगर वो सारे बुक्स को बेचते तो कितना अमाउंट क्या करेगा रिसीव करेगा। देखिए सबसे पहले तो आपको, आप यहाँ पर 10 dozen केमिस्ट्री बुक, 10 dozen का मतलब कितना हो गया 120, कितना हो गया 120, 8 dozen फिजिक्स यानी 96 और 10 dozen इकोनॉमिक्स यानी 120, क्लियर। अब एक तो आप ये हो गए, दूसरा क्या रेट है इसके 80, 60 और 40, एक आपकी ये हो, आप मल्टीप्लाई करेंगे बस डायरेक्ट, क्या है 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, दो का कॉलम में 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 120 इंटू 40, आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दिया, आप सॉल्यूशन करेंगे, 00 आएगा 12 8 96 प्लस 0 6 36 कैरी 3 6 9 54 और 3 57 प्लस 20 आएंगे 12 4 48, आप सबको प्लस कर देंगे 9600 प्लस 5760 प्लस 400। अब देखिए इधर 60 प्लस, ये तो 60 आ गया, और उसके बाद 6 और 7 13 8 21 कैरी 2 11 5 16 और 4 20 20160 रुपीस रिसीव करेगा। तो द बुक्स यहाँ लिख देंगे, द बुक्स बुक्स शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स इज इक्वल टू रुपीस 20,160।